हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ और मस्त हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सबकी रियूनियन हो। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। ये जो वीडियो है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी पर है, और इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो पॉजिटिव होकर सुनिए और हमेशा अपने पार्टनर पर फोकस रहिए कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। तो जैसे आपके सोच रहेंगे बाबू, जैसे आपके विचार रहेंगे, वैसे आप एनर्जी पिक कर पाओगे। अगर अगर ये वीडियो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मेरे चैनल का कोई भी वीडियो आपको फोकस कर रहा है उसको जरूर आप देखें, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर पिक होगी और गाइडेंस भी मिलेगी। तो पॉजिटिव होकर ये वीडियो सुने, हमेशा एंजल से गाइडेंस लें, ठीक है डियर। तो चलिए, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है। तो चलिए डियर, आगे मैं आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ये ऑल साइन के लिए है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर काफी सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा सोच समझकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपसे बात कर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है उन्हें आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अफसोस भी है। लेकिन देखिए, थर्ड पार्टी, जिस कारण आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए, थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें अब गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, वो कदम उठा के कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है, इस वजह से वो काफी अपने आप से फाइट कर रहे हैं और इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। आप मैरिज मटेरियल हो उनके नजरों में, आप उन्हें सब खुशी देते हो, पीस देते हो, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर आपकी तरफ कदम कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ मूवमेंट जरा स्लो है, स्लो बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन भी है और कहीं ना कहीं सोच समझ भी रहे हैं, और तभी जाके वो कदम उठाएंगे, क्योंकि उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपका उन्होंने दिल दुखाया है, लेकिन पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस वक्त आपको छोड़कर गए थे उस वक्त आपका दिल दुखा है, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पार्टनर पिक कर रहे हैं, उन्हें भी दर्द पेन हो रहा है और उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें गिल्ट भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो काफी सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, काफी सोच रहे हैं, खुद को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन ये दूरियां जो बढ़ी है आप दोनों में, ये दूरियां जो बढ़ी है, ये दूरियां कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत करीब लाने वाली है। ये फीलिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप को बढ़ा रही है, बहुत फीलिंग्स बढ़ रही है। लेकिन मैं यहाँ बोल दूँ कि आपके पार्टनर सोच समझकर आपके तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये काफी सोच रहे इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्लो भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीपली आपके लिए लव फील कर रहे हैं, उन्हें अफसोस भी हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब आपको पूरी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना चाहिए, पूरी लाइफ, यानी कि आपसे मैरिज कर पूरी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। ऐसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो पूरी स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आप दोनों के साथ पूरी लाइफ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज भी आपके पार्टनर कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी हैं,
कनेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो हैं, फिर रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर खुद को कंट्रोल करते हैं, फिर वो रुक जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है और आपके बिना वो कहीं खुश भी नहीं रह सकते हैं, ये काफी सोच रहे हैं, क्योंकि जो आपसे मिलती है पीस, खुशी, शांति, वो कहीं से उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें डर है। अब उन्हें आप स्वीकार नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी है और थोड़ा डर है, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं है, कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि आप उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो और इस वजह से थोड़ा डर है और इस वजह से वो सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट कर दो। ये डर है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। देखा जाए तो वो कोशिश बहुत करने वाले हैं, बहुत कोशिश करने वाले हैं कॉल मैसेज के लिए, किसी तरह बात करने के लिए खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है फाइट तो जरूर कर रहे हैं और आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप मैरिज मटेरियल हो, उनके सोच में, उनके विचार में, उनके लाइफ में वो आप हर खुशी दे सकती हो जो एक मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का होता है, जो खुशी मिलती है पूरे घर की, पूरी फैमिली की। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए, तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात छुपा रहे हैं, लेकिन गिल्ट उन्हें बहुत हो रहा है, वो काफी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके पार्टनर शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो हैं। इस रिश्ते की शुरुआत उनको भी चाहिए लेकिन स्लो है। लेकिन बाबू मैं यहाँ बोल दूं कि कर्मा है, कुछ ब्लॉकेज है जो अभी आपके पार्टनर को झेलना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में रुकावटें आती है, वो बढ़ते हैं और रुक जा रहे हैं, बढ़ते हैं और रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मा क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर। इसलिए सोचिए नहीं, जो लेना है सोच समझकर एक्शन आपको भी लेना है, इसलिए बहुत ज्यादा अपने तरफ से, बहुत ज्यादा अपने पर्सन के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि जो कुछ भी होगा डिवाइनिंग टाइम पर होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ फीलिंग्स बढ़ रही है आप दोनों की, ये दूरियां जो बढ़ी है कहीं ना कहीं आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और फीलिंग्स बहुत ज्यादा बहुत डीप लव फील कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बोल दूं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, बहुत दिल और दिमाग से वो फाइट कर रहे हैं कि कैसे क्या करूं, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करूं, क्योंकि इन्हें गिल्ट भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ कर गए, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट तो हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ भी वर्ष को आने वाले टाइम में, कुछ वन वीक के अंदर, कुछ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ के पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी कि आप गुस्से नाराजगी से बात मत करना, बहुत कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज निकला है तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आपको बात करना है, नहीं तो ये बात बढ़ सकती है, ये दुनिया बढ़ सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इसीलिए आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं एक फैमिली देख रहे हैं, घर तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स सोलमेट जर्नी में है, ट्विन जर्नी में है, और बहुत जल्द मेरे व्यूवर्स की भी उनके पार्टनर से रियूनियन भी होने वाली है। अगर आपने बैलेंस किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आपकी रियूनियन होने वाली है, आप लोगों ने हार्डवर्क किया है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स गॉड को सरेंडर किया है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन जर्नी में हो, अगर आपने बैलेंस कर लिया है तो बहुत जल्द मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप लोग की रियूनियन हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपने कर्मा साइकिल में को एंड करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कर्मा जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपके पर्सन आपके तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन वो स्लो हैं, सोच समझ रहे हैं और तभी आपके तरफ वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये दुनिया आप लोगों में प्यार बढ़ाया है, उनकी फीलिंग्स उभर उभर कर आ रही है, इसलिए वो नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन डिवाइनली गाइडेड मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर और आप, तो बहुत जल्द कुछ मेरे व्यूवर्स की
रीयूनियन होने वाली है, और मेरे कुछ व्यूवर्स को मैं देख रही हूँ कि आप लोग अभी बैलेंस में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं बोलूँगी बाबू कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा कार्मिक साइकिल में है, हो सकता है कि बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल का एंड होता हुआ भी दिख रहा है, कुछ लोग की रीयूनियन भी हो रही है। तो विश्वास कीजिए, ये विश्वास करोगे, पेशेंस रखोगे बाबू, तो बहुत जल्दी आप लोग की रीयूनियन होगी, कमिटमेंट मिलेगा, आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलोगे। बस आप लोग पॉजिटिव रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कंफ्यूज भी हैं और बहुत स्लो हैं, लेकिन हाँ, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर थोड़ा स्लो हैं और बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी लाइफ का स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ में सारी खुशियां देते हो, आप उन्हें पूरा करते हो, आप मैरिज मटेरियल हो। ये काफी सोच रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं और आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं। मिस तो बहुत कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स भी बहुत प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी हाल में आपके पर्सन आपके लाइफ में आ जाएं। तो बाबू बहुत जल्द आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, बस आप लोग पॉजिटिव रहें, बैलेंस करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने अपने आप को हील कर रहे हो। जब आप पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो तब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं। बस ये विश्वास की जर्नी है, पेशेंस की जर्नी है, और जितना हो सके गॉड को जरूर ग्रेटिट्यूड दीजिए, यूनिवर्स को, और विश्वास कीजिए। मुझे लग रहा है डियर कि मेरे कुछ व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर कास्ट, मतलब कुछ के पार्टनर जो है कास्ट इश्यू का मुझे लग रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब वो रह नहीं सकते हैं, आपके तरफ बात करना चाहते हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाह रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लाइफ में बहुत खुशियां, अबंडेंस चाहिए, फाइनेंस वो स्ट्रांग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो करियर फाइनेंस पर भी फोकस कर रहे हैं, कुछ ऊंचाइयों को छूने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हैं और आपके तरफ कहीं ना कहीं स्लो आ रहे हैं, लेकिन आपके तरफ वो एक्शन लेंगे और आपसे बात करेंगे। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज जो निकल रहा है डियर कि आपके पार्टनर जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो मैं फिर बोल दूं कि अपने तरफ से कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हर कुछ सोच समझ कर बात करना, क्योंकि लड़ाई झगड़े ना हो और आप में दूरियां ना हो, क्योंकि बहुत मेरे व्यूवर्स की रीयूनियन भी है और बहुत लोग मेरे व्यूवर्स 1 वीक के अंदर कॉल मैसेज भी आप लोग रिसीव कर रहे हो। कुछ हो सकता है ऐसी भी एनर्जी है कि आज भी अभी भी किसी वक्त भी आप लोग कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो। तो आप लोग पॉजिटिव रहना और जब भी मैनिफेस्ट करना प्रेजेंट में करना, जो भी करना आज में करना, ठीक है। तो मैं हाथ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, मेंटली फिजिकली सिटी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, मैं इतना बोलूंगी, जितना आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि जब भी हम नाप तौल करते हैं तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ में होती है। जब हमारे विचार अगर निगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है, इसलिए हर वक्त हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, कब किस समय क्या विश हमारी विश पूरी हो जाए, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहिए, सारा एनर्जी और पॉजिटिविटी का है। जितना आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, खुद को हील करोगे, बैलेंस करोगे, बहुत जल्दी आप लोग की सब कुछ चीज खुशी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो चलिए डियर, ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी है। तो प्लीज पॉजिटिव रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनों का भी ख्याल रखें, अपने पार्टनर के लिए भी हीलिंग सेंड करें, खुद की भी केयर करें, और सेल्फ लव जरूर करें, खुद की कदर जरूर करें, और खुद से जुड़े, खुद से प्यार करें। जब आप खुद से जुड़ोगे तो आपको सारी खुशियां मिलेगी। सो डियर, ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डियर, सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।